नमस्कार मैं एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और हम इसमें देखने वाले हैं कुछ एक डेली यूज के सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है उसे नज़र उतारने दो, तो बोलेंगे लेट हर कास्ट ऑफ टाइबल आई। कास्ट ऑफ टाइबल आई का मतलब होता है नज़र उतारना। सेकेंड है वह चाकू बेधार था, तो इसे बोलेंगे डैट नाइफ वॉज ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बेधार। थर्ड है मेरे होठ फटे हुए हैं, तो इसे बोलेंगे माई लिप्स आर चैप्ड। चैप्ड का मतलब होता है फटे हुए, चाहे होठ हो, चाहे एरिया हो, चाहे स्किन का कोई भी पार्ट हो जहाँ पे थोड़ा फटा हुआ था, जैसे फिंगर्स वगैरह भी होती है इन विंटर सीजन, सो डैट वन ऑल्सो वी विल कॉल चैप्ड। अगला देखते हैं, सेकेंड सीरीज है अगर आपने सच नहीं बताया तो पुलिस पिटाई करेगी, तो इसे बोलेंगे पुलिस विल बीट यू अनलेस यू स्पीक ट्रूथ। सेकेंड है यहाँ पे उसका फोन मत काटना, तो बोलेंगे डोंट हैंग अप हर कॉल। थर्ड है अगर लड़का है तो हीज कॉल बोलेंगे, लड़की है तो हर कॉल। थर्ड है उन लोगों को जूते उतारने को कहो, तो उतारने को कहो तो इसे क्या बोलेंगे आस्क। आस्क का मतलब है कहना या फिर बोलना, तो बोलेंगे आस्क देम टू टेक ऑफ द शूज। इसका मतलब हुआ उन लोगों को जूते उतारने को कहो। नेक्स्ट है जान है तो जहान है, तो इसे बोलेंगे लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी माइजरेबल। सेकेंड है मुझे कैसे भी घर पहुँचना था, तो इसे बोलेंगे आई हैड टू रीच होम बाई ऑल मीन्स। बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है कैसे भी किसी भी हाल में। थर्ड है मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, तो इसे कहेंगे आई डोंट कंसीडर इट्स नेसेसरी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नेक्स्ट है कि मैं मणिपुर में पला बढ़ा, तो इसे बोलेंगे आई वॉज ब्रॉट अप इन मणिपुर। सेकेंड है सपना बस में चढ़ गई, तो बोलेंगे सपना गॉट इन या फिर गॉट ऑन, दोनों तरीके से बोल सकते हैं बस, राइट बोल सकते हैं सपना गॉट ऑन बस या फिर इन बस, दोनों ही तरीके से सही है कि सपना बस में चढ़ गई। थॉट है यहाँ पे कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्तों को देता हूँ, तो इसे कहेंगे आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई फ्रेंड्स। एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना किसी को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि तुम यहाँ से तब तक नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं कहता, जब तक नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं कहता, तो इसे बोलेंगे यू वोंट मूव फ्रॉम हियर अनटिल एंड अनलेस आई से। यहाँ पे एंड होगा अनटिल एंड अनलेस आई से। सेकेंड है वह तब तक नहीं आएगी जब तक आप नहीं बुलाओगे, तो इसे बोलेंगे सी वोंट कम अनटिल एंड अनलेस यू कॉल। और थर्ड है उन लोगों को अंदर आने दो, तो इसे बोलेंगे लेट देम इन। इनका मतलब है अंदर आने देना। फर्स्ट है वह कहानी किसने बताई, तो बोलेंगे हु लेट डैट स्टोरी आउट। लेट आउट का मतलब होता है किसी भी कहानी को बता देना, बात को बता देना, तो इसे बोलेंगे हु लेट डैट स्टोरी आउट, वह कहानी किसने बताई। सेकंड है किसी को मत बताना कि आप उसे जानते हो, तो बोलेंगे डोंट लेट ऑन डैट यू नो हर। लेट ऑन का मतलब है बता देना, किसी को जाहिर करना। थर्ड है मैं तुम्हें राज की बात बताऊँगा, तो बोलेंगे आई विल लेट यू into a secret, बोलेंगे I will let you into a secret, मैं तुम्हें राज की बात बताऊंगा। नेक्स्ट है क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, तो उसे बोलेंगे weren't you dear either, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, क्या आप भी वहाँ नहीं थे। सेकेंड है यह पैसा किसी काम का नहीं है, तो this money for no use, इसका मतलब है यह पैसा किसी काम का नहीं है। थर्ड है यह फायदे का सौदा है, this is वर्थ वाइल, यानी कि फायदे का सौदा है। अगला है अगर आप आयानगर आओगे तो क्या आप मुझसे मिलोगे, तो इसे बोलेंगे इफ़ यू कम टू आयानगर वुड यू मीट मी। सेकेंड है एक हाथ लो एक हाथ दो, तो बोलेंगे गिव एंड टेक इज फेयर प्ले। और थर्ड है उसे अपना मोबाइल गिरवी रखना है, तो बोलेंगे ही हैज़ टू होक हिज मोबाइल, माफ करना होक बोलते हैं, होक का मतलब होता है गिरवी रखना, तो इसे बोलेंगे ही हैज़ टू हुक हिज मोबाइल, उसे अपना मोबाइल गिरवी रखना है। फर्स्ट है इसमें कि उसे आपकी कमी खलती है, तो बोलेंगे ही मिसेज यू, सो यहाँ नहीं लगेगा तो भी चलेगा, सिर्फ उससे बोल सकते हैं कि उससे आपकी कमी खलती है, तो इसे बोलेंगे ही मिसेज यू। सेकेंड है क्या आप मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगे, तो बोलेंगे विल यू स्टैंड बाई मी ड्यूरिंग टफ टाइम। थर्ड है कल लंच में क्या क्या था, तो बोलेंगे व्हाट एल्स वाज देयर फॉर लंच, वॉट एल्स वॉज देयर फॉर लंच, लंच में कल क्या क्या था, लाइक दिस। अगला है 7 बज गए पता ही नहीं चला, तो बोलेंगे इट इज 7 in no time। सेकेंड है मैं उसका भला चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई विश वेल फॉर हर, अगर लड़का है तो हर की जगह हिज कर देंगे।
मेथड है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो बोलेंगे नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट हर। अगला है कहा जाता है, तो बोलेंगे इट इज सेड, यानी ये कहा जाता है। सेकेंड है लोग कहते हैं, दे से। थर्ड है वह अकेली रहती है, और सॉरी माफ करना, वह अकेली रहती थी, है नहीं, तो बोलेंगे सी लिव्ड अलोन। और अकेली रहती है तो क्या कर देंगे, लिव्ड की जगह लिप्स कर देंगे, सी एल आई वी ई एस, सी लिप्स अलोन कर देंगे। पर यहाँ पे कि वो अकेली रहती थी तो इसे बोलेंगे सी लिव्ड अलोन, वह अकेले रहती थी। अगला है यह मकान किराए के लिए खाली है, तो बोलेंगे दिस हाउस इज टू लेट। सेकेंड है उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो बोलेंगे ही इज़ अक्यूज ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। थर्ड है मैं अपने दिल को कैसे मनाऊँ, तो इसे बोलेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट। फर्स्ट है कि आपको ठीक से कोशिश करना चाहिए था, तो इसे बोलेंगे यू शुड हैव ट्राइड प्रॉपरली। सेकेंड है मैं कुछ बताना चाह रहा था, तो बोलेंगे आई वॉन्टेड टू टेल समथिंग। थर्ड है क्या वह मेरी गलती थी, क्या यह मेरी गलती थी, वह नहीं, क्या यह मेरी गलती थी, तो बोलेंगे वाज इट माई मिस्टेक, वाज इट माई फॉल्ट, दोनों ही बोल सकते हैं।